हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज है नौमी, तो आप सभी को हैप्पी नौमी। और ये जो व्लॉग मैंने शूट करा है ये अष्टमी के दिन का है। वैसे तो हर जगह पूरे इंडिया में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर हमारे जो बंगाल में है उसका मतलब रौनक ही अलग है। तो यहाँ पे अष्टमी में माँ दुर्गा को पुष्पांजलि चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हर कोई अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अष्टमी का दिन और भी ज़्यादा खास होता है। बंगाल में इसे महाअष्टमी कहते हैं और इस दिन माँ को अंजलि देने का रिवाज है। दुर्गा माँ के मंत्र उच्चारण करके पंडित जी माँ को पुष्पांजलि दिलवाते हैं, जो कि अभी हम लोग देने जा रहे हैं। और यहाँ पे हनु अपने बाबा के साथ रेडी होके जा रहा था, और वो जो ड्रेस पहना था वो बाबा की तरफ से था। और आप सब बताना मेरा साड़ी कैसा लग रहा है। मैंने वाइट साड़ी पहनी है और साथ ही मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया था फैब्रिक लेके, जिसका डिटेल आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने प्रसाद लेके आ गए थे और हम लोग जा रहे थे माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए। और ये जो मेरे शॉप से मतलब उसी एरिया में था पंडाल, और हम लोग हर साल यहीं पे आते हैं। तो होप आप लोग भी इस तरह से सेलिब्रेट करते होंगे। और बहुत जन सुहाग का सामान भी देते हैं, खोइचा बोलता है हमारे में, खोइचा भरते हैं, पर यहाँ पे पुष्पांजलि मतलब अंजलि देना कहते हैं। और सुबह सुबह बिना खाए नहा धो के और इस दिन नए वस्त्र पहनने का मतलब है कि हर कोई नया कपड़ा पहन के जाता है। और जो भी हन्नू का कपड़ा है वो उसके माँ बाबा लाते हैं हर साल दुर्गा पूजा में, उसके लिए वही लोग खरीदते हैं कुर्ता पैजामा। और हन्नू बहुत पसंद से पहनता भी है। और यहाँ पर भी मैं मिलाऊँगी आपको भैया भाभी से, तो वो स्काई ब्लू कुर्ता में जो है वो बड़े पापा है इसके। और जो वहाँ पे खड़ी है गुण और उर्मी, उनकी सबसे प्यारी दीदी, मतलब हन्नू बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हन्नू को। और आप लोग अभी देखना पूरा ब्लॉग इंजॉय करना। और यहाँ पे पंडित जी मतलब यहाँ पे राउंड बाय राउंड होता है, वो बोलते रहते हैं जब आप सुबह दस बजे से 4 बजे तक होता है अंजलि, और हम लोग 12 बजे के करीब पहुँचे थे। और उस दिन धूप भी ज़्यादा थी। और यहाँ पर अभी मैं आपको भाभी को भी दिखाऊँगी, बहुत प्यारी लग रही, बहुत प्यारा सा साड़ी पहना है मतलब भाभी ने। और हन्नू को साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी जिद करके पहनवाता रहता है, मम्मा साड़ी पहनो साड़ी पहनो। और यहाँ पे माँ दुर्गा का रूप देखिए कितना भव्य है, कितना प्यारा लग रही है माँ। और माँ तारानी हर किसी की इच्छा मनोकामना पूरी करे, हर किसी की ज़िंदगी में खुशहाली लाए, दुख को दूर करे, यही मेरी कामना है आप सबके लिए। और आप लोग भी कमेंट करके जय माता दी ज़रूर बोलना। और आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया बताइएगा। मुझे याद है मैं छोटी थी, नानी घर में ज़्यादातर रहती थी, वहाँ पे ही मैं ऑलमोस्ट हर दुर्गा पूजा वहीं रहती थी। और मामा जी मुझे ले गए थे अंजलि देने के लिए, और भूखे पैर से जहाँ आप लोगों को पता है कि कुछ नहीं खाना चाहिए, तो हम भी चले गए थे। उसके बाद इतना मतलब तबीयत ख़राब हुआ, मुझे बोलते ना वो दाती लग जाना, मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी। और मुझे वो दिन आज भी याद है, मामा इतना घबरा से गए थे, और सब मामा को बोल भी रहे थे इतना छोटा बच्चा को क्यों नहीं कुछ खिलाया, कुछ खिला के लेके जाना चाहिए था। तो वो मुझे आज भी याद आता है, जब जब मैं पंडाल जाती हूँ, जब जब मैं अंजलि देने जाती हूँ, तो यहाँ पे पंडित जी अंजलि मतलब वो मंत्र बोल रहे हैं, आप लोग भी सुनो। अब मैं आ गई यहाँ पे तिलक लगाने, और फिर लिया चनामृत, उसी से मतलब उसी को पी के व्रत को खोला। फिर हम लोग यहाँ से घर चले गए, क्योंकि ड्रेसी घर पे अकेली थी, वो सोई हुई थी, उसको मैंने कितना कहा, बोला मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। बहुत जन बोलते भी हैं कि ग्रेसी आप सभी के साथ नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है। स्टेटस भी मैंने जब लगाया था तो यही कमेंट आया था, तो वो बहुत रिजर्व्ड है, उसको उतना पसंद नहीं आना जाना। और शाम को भी हम लोग जब घूमने जा रहे थे पंडाल, तो उसने साफ मना कर दिया, मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, बाकी आप लोग उसके मुँह से सुन लेना। और हम लोग यहाँ से सीधा चले गए फ्लैट, जहाँ पर अभी हम लोग जाके ड्रेस वगैरह चेंज करके नाश्ता वास्ता खा के फिर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और शाम का प्रोग्राम था आज हमारा पंडाल देखने का, तो ग्रेसी को देख लेते वो क्या करती है, बट हाँ ग्रेसी नहीं गई। फिर शाम को उसको हम लोग बर्गर किंग ले गए, उसने खा पी के फिर बोला मैं घर में रहूँगी, रेस्ट करूँगी, आप लोग घूमो। फिर हम लोग पूरा रात घूमेगा इस 1 बजे 1:30 बजे हम लोग घर आए थे। और आज भी नौमी के दिन भी देखते हैं क्या कितना कवर कर पाते हैं, जल्दी से आप लोगों के लिए वो भी वीडियो पोस्ट करूँगी। शाम तक ऑलमोस्ट पंडाल होपिंग का वीडियो मैं डाल दूँगी, ताकि आप लोग भी अगर जाना चाहो देखना चाहो तो आज नौमी के दिन जा सकते हो। और मेरा तो साड़ी था, वाओ थैंक यू, तो हनु ने लाइट जला दिया है। तो ये है मेरा लुक आज का अंजलि देने का। तो अभी हम लोग
गाइस सुबह बहुत लेट हो गया था, फटाफट से मैं रेडी होकर मंदिर निकल गई, इसीलिए आप लोगों को फुल लुक नहीं दिखा पाया। तो आप लोग बताना ये साड़ी कैसा है, पता है ये साड़ी कितना पुराना है? ये साड़ी हमें याद है, हम लोग गए थे बालाजी दर्शन करने तिरुपति, वहाँ से गोमजी ने मुझे दिलवाया था और वो साड़ी तब से वैसे ही रखा था, मैंने पहना ही नहीं था। फिर बीच में मैंने मम्मी को भी दे दिया बट मम्मी ने भी नहीं पहना, फिर मैंने इसको अलग से कस्टमाइज़ करवा के ब्लाउज के साथ पेयर किया है। आप लोग बताना कैसा लगा मेरा साड़ी। तो ग्रेसी को घूमना है, नहीं कल हमको बोले नहीं कोई ग्रेसी को घुमाते नहीं है। पकड़ो झोला, पकड़ो मेरी दुनिया सबको ही बोल रहा था मोली और कमल, वही मेरी दुनिया। तो तुम आपका दुनिया में हो नहीं है, कमेंट भी क्या कोई कि ग्रेसी कहाँ गई, तो फिर आप फोटो लगाए तो ग्रेसी का भी, ग्रेसी का दुनिया अलग है, हम क्या करें। और ये डॉल्सी आज गुण कैसी लग रही थी, बहुत सुंदर गुण को देख के तैयार हुआ। और ग्रेसी जा रही है बर्गर किंग, उसका पूजा वही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो ग्रेसी बर्गर खा के घर में रेस्ट करेगी एंड हम घूमने वाले हैं सारा रात। अभी हम कपड़ा चेंज भी नहीं किया, घर जाएंगे चेंज कर, नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे, जींस टी शर्ट कम्फर्टेबल। इधर देखो हम तो सबसे अच्छा पहने, ये घर का इतना ज्यादा कम्फर्टेबल और कौन ही होता है। मेरा टी शर्ट, मेरा साइज का टी शर्ट पहन। ओ मेरा बच्चा, वो यार लाफिंग बाबू गिर गया, तो क्या करें, मेरी मेरी दुनिया गिरी हुई है, गिरी पड़ी दुनिया। तो तुमको पूजा घूमना कोई दिलचस्पी नहीं है ना? ये शर्ट चाहिए। आपका कपड़ा मैं आप ही का, इसका नजर है, ये शर्ट चाहिए। बोलो ना क्या घूमने नहीं जा रही है, तो ऐसा नहीं ना हम लोग नहीं ले जा रहे हैं, खुद के स्व इच्छा से नहीं जा रही है कि नहीं? देख लिया फोन में, फोन में घूमना फिरना कोई पसंद कोई है, हम सबका टीवी में मोबाइल में बस देखना है इसको, मस्ती करना और खाना है यम्मी यम्मी। तो चलिए गाइस अष्टमी का पूजा है, आज रात को घूमते हैं और अष्टमी का दिन का वीडियो तो आपने देखा ही है। वाह देखो ना कितना है, बिकॉज हम तुम्हारे बगल में खड़े हैं। कौन है? सुनो ना ग्रेसी मामा, ये मामा अर्थ का स्क्रब यूज कर रही है। और तभी कुछ एक दिन से नहीं आता पापा अर्थ का यूज करना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और ग्रेसी को बर्गर में बर्गर खिला देंगे और इसको घर पे छोड़ेंगे, फिर हम ग्रेसी क्या पहने, दो साड़ी पहन के जाए क्या? हन्नू बोल रहा है साड़ी पहनने, चलो 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 लेट हो रहा है, आगे दो हमको हेयर बैंड लेके क्यों आ गया तू? देखो ना